पड़ोसी जिले के हैं, लेकिन वो राजनीतिक नेता, राजनीतिक दलों से आते हैं। ये कह रहे हैं कि पिता की गिरफ्तारी या पिता को पद से हटाना चाहिए। किसान मोर्चा की मांग अब आगे क्या है, क्योंकि बेटे की हमारे तो शुरू से ही मांग यही है कि जो मंत्री हैं उसका इस्तीफा, उसकी गिरफ्तारी। वो 120 बी का मुलजिम है ना, तो गिरफ्तारी उसकी अभी तक हुआ नहीं। टिकट ये आंदोलन उसी के लिए तो अब आगे चलेगा कि नहीं हुआ। वो आंदोलन की रूपरेखा क्या है? रूपरेखा रहेगी 26 तारीख की बड़ी मीटिंग है, ये अस्थि कलश जा रहे हैं पूरे देश भर में, तो ये यही तो है। मीटिंग कहाँ पर होगी 26 तारीख? लखनऊ में। वहाँ क्या ऐलान होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब 26 तारीख के आगे का क्या होगा? तो ये तो मूवमेंट है, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी आंदोलन चलते रहेंगे। इस घटना के बाद गिरफ्तार जो आशीष मिश्रा थे उनकी गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने उनको रिमांड पे ले लिया और एफआईआर के मुताबिक जो उन पर आरोप है वो काफी गंभीर है प्रथम दृष्टया। और पुलिस ने ये भी कहा कि देखिए वो रेड कार्पेट गिरफ्तारी है, गुलदस्तों के साथ में पूछताछ है। जब तक उसका पिता गृह राज्य मंत्री रहेगा, कोई पुलिस वाले की हिम्मत नहीं कि कोई बूझ ले। अगर वो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, पद से नहीं हटाया जाता है, तो हम आंदोलन तो कर ही रहे, चलता रहेगा हमारा। जो किसान नेता है वो कह रहे हैं कि देखिए कि हम आंदोलन करेंगे और 26 तारीख उन्होंने बड़ी मीटिंग बनाई है। विपक्ष का एक तरफ का दबाव और किसान नेता, अब बीजेपी को और सरकार को मौका मिल जाता है कि देखिए जो है इस समय जितने राजनीतिक दल हैं वो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के फायर कर रहे हैं, मौका खोज रहे हैं। नहीं, किसान का पॉलिटिकल नहीं है, या किसान किसी पार्टी को आगे नहीं बढ़ा सकता, या हमारे मेंबर किसान नहीं है, या हम समाज में नहीं आते। हमें अंतिम अरदास में आने से रोका जाएगा, किसानों के बीच जाने से रोका जाएगा, तो हम कौन हैं? हम कहीं विदेश से आए हैं क्या? हम राष्ट्र विरोधी ताकतें हो गए? हम मोदी जी का विरोध कर सकते हैं, योगी जी का विरोध कर सकते हैं, राजनीतिक विरोध कर सकते हैं, मुद्दों पे विरोध कर सकते हैं, लेकिन हमारा भी समाज में अपना स्थान है। ये कह देना कि राजनीति मत करो, किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी, किस पे होगी? कृषि प्रधान देश में अगर किसानों के मुद्दों पे हम राजनीतिक चर्चा नहीं और गतिविधि नहीं कर पाएंगे, जमीन पर नहीं जा पाएंगे, तो ये तो तानाशाही है। आज ये हमें कमजोर नहीं कर रहे, ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, जनता के अधिकारों पे हनन कर रहे हैं, और जनता इन चीज को देखे और उपाय भी जनता ही देगी।